ऑलराइट दोस्तों, ये हमारे चैनल का पहला एंड्रॉइड बॉक्स प्लस गेमिंग बॉक्स है यार, और मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करने के लिए। वैसे तो मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, मैं 2 दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ, और इसलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा कि किन लोगों को ये एंड्रॉइड बॉक्स प्लस गेमिंग बॉक्स खरीदना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये हर किसी के लिए तो बना हुआ है नहीं। तो कंक्लूजिंग वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को ये एंड्रॉइड बॉक्स बाय करना चाहिए। तो पहले अनबॉक्सिंग से इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे भी जरूरी काम यार, चैनल पे पहली बार आयो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑल कर लेना। तो भाई तुम्हें पता होगा, जनरली मैं बॉक्स के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्टली अंदर के सामान में आपको दिखा देता हूँ, गलत मत समझना तुम। लेकिन इसके बॉक्स के ऊपर क्या क्या डिटेल है वो बताना जरूरी है भाई। सबसे पहली बात कि ये 4K HD गेम बॉक्स है, मतलब 4K रेजुलेशन में तो एंड्रॉइड बॉक्स काम करेगा और HD रेजुलेशन में अपना गेम बॉक्स काम करेगा। इसके अंदर प्रोफेशनल गेमिंग चिपसेट लगी हुई है, और ऑब्वियसली वो सही बात भी है, तभी तो अपन गेम इसके अंदर खेल पा रहे हैं। कनेक्टेड टू टीवी का ऑप्शन है, क्लासिकल गेम है, डुअल रॉक का कंट्रोलर इसके अंदर है। भाई रॉकर कुछ भी नहीं है, सिंपल से जो कंट्रोलर आते हैं ना प्लास्टिक के, वही इसके अंदर है। इसके अलावा 2.5 GHz के वायरलेस रिसीवर इसके अंदर अपने को मिल जाएगा, एक रिसीवर है दोनों कंट्रोलर के लिए। और इसके अलावा तो कोई और इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दे नहीं रखी भाई, लेकिन ये एंड्रॉइड 9.1 के साथ आता है, लेटेस्ट नहीं है लेकिन काम चल जाएगा अपना। और इस गेम का मॉडल नंबर भाई, एक सेकेंड, तो भाई इस गेम बॉक्स का मॉडल नंबर है G5। ये अमेजोन से मैंने बाय करा है, सारी बातें आपको बताऊंगा वीडियो में आगे में। तो बॉक्स को खोल लेते हैं और देखते हैं क्या इसके अंदर अपने को मिलेगा। तो इसको ओपन करके देखते हैं। ओहो भाई क्या पैकेजिंग है इसकी यार, मतलब पैकेजिंग तो PS5 जैसी करके दी है इसके अंदर। गेम चले या नहीं चले, लेकिन पैकेजिंग पे तो पूरा काम करा है। सबसे पहले तो अपना एक गेम बॉक्स यहाँ पे निकल जाएगा यार, और इसका जो गेम बॉक्स है यार, ये तो एक सेकंड, अब भाई ये तो अपना गेम बॉक्स और ये फायर टीवी लाइट, इन दोनों का वजन ऑलमोस्ट सेम है भाई। मेरे को तो लग रहा है इसके अंदर कुछ है कि नहीं है, पता नहीं, देखेंगे अपन आगे। नेक्स्ट फ्लोर पे जाके देखते हैं क्या मिलेगा अपने को। तो इसके अंदर से अपने को यहाँ पे 2 कंट्रोलर मिल जाएंगे भाई, और यहाँ पे जो ये कंट्रोलर है ना, ये PSP जैसे कंट्रोलर है, और क्वालिटी इनकी यार इससे तो अच्छी है, मतलब बॉक्स से तो अच्छी क्वालिटी इनके अंदर मिल जाएगी। लेकिन ये चार्जेबल नहीं है भाई, इनके पीछे यहाँ पे AAA के डबल सेल लगेंगे, और वैसे मैंने लगा रखे हैं क्योंकि मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ यार। और ये जो कंट्रोलर है ना, इनकी बिल्ड क्वालिटी तो एवरेज है, लेकिन बटन और गेट्स की क्वालिटी ऑसम है भाई। इसके अलावा यहाँ पे अपने को 2 इंडिकेटर लाइट मिल जाएगी, एक तो पावर की है और एक मोड की है। बॉक्स में से एक HDMI केबल निकल जाएगी जिसकी क्वालिटी अच्छी है भाई, और एक रिमोट कंट्रोल निकल जाएगा भाई। ये वही बेसिक सा रिमोट कंट्रोलर है जो कि अपने को MXQ Pro और GT88 के अंदर मिलता है। अब भाई इसका जो चार्जर है ना, इसकी क्वालिटी से सॉलिड है, लेकिन एक दिक्कत है भाई, इसके अंदर जो अपने को सॉकेट दे रखे हैं ना भाई, ये अपना प्लग के अंदर नहीं लगते, ये इंडियन प्लग नहीं है, इंडियन प्लग कुछ इस टाइप से आते हैं। तो एक कन्वर्टर भी इसके अंदर दे रखा है, इस कन्वर्टर में लग के ही ये आपके प्लग में लगेगा। अगर ये कन्वर्टर घूम जाता है, टूट जाता है या खराब हो जाता है ना, तो इस चार्जर को आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, जो इस गेम बॉक्स का सबसे बड़ा डाउन पॉइंट है यार। अब देखो भाई, इस गेम बॉक्स को LED में कनेक्ट करना ना बहुत आसान है, HDMI केबल के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास वो पुरानी डब्बा TV हो ना, वो पुराने जमाने में जाती थी जिसके अंदर अपन रेट्रो गेम्स खेलते थे यार, वैसे रेट्रो गेम्स इसमें है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसके अंदर AV का आउटपुट भी अपने को मिलता है, तो आप 3RC केबल के थ्रू डायरेक्टली इसको पुरानी TV में भी चला सकते हो। तो हर टाइप की TV, LED और मॉनिटर के अंदर भी ये चल जाएगा। और इस बॉक्स की क्वालिटी ना बहुत एवरेज है, जो भी प्लास्टिक इसके अंदर यूज हुआ है ना, वो बहुत ही चीप क्वालिटी का। बैक साइड में अपने को लैन पोर्ट मिलेगा, एक HDMI पोर्ट मिलेगा, एक यहाँ पे AV का आउटपुट मिल जाएगा और एक पावर पोर्ट मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में 2 USB के पोर्ट है जिसमें अपन इसके रिसीवर को कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो गेम बॉक्स है ना, इसके पीछे अपने को एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिलता है जिसके अंदर ये मेमोरी कार्ड पहले से ही लगा हुआ है। और तुम देख सकते हो ये जो मेमोरी कार्ड है ना, ये 64GB का है। तो जितनी भी गेम्स की लाइब्रेरी है ना, ये इस मेमोरी कार्ड के अंदर इंस्टॉल है भाई। तो यहाँ पे ना सारा खेल तो मेमोरी कार्ड का है, ये जितने भी गेम अपन खेलते हैं ना, ये मेमोरी कार्ड के थ्रू चल रहे हैं। ये एक सिंपल सा एंड्रॉइड बॉक्स है, बस इसके अंदर मेमोरी कार्ड को लगा दिया जिसके अंदर गेम पहले से ही इंस्टॉल है, और ये गेम बॉक्स में यहाँ पे चेंज हो गया है। तो मेमोरी कार्ड इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस गेम बॉक्स के अंदर अपने को काफी पॉपुलर लाइब्रेरी मिल जाएगी, जैसे कि PSP है, सेगा की नियामी है, उसके अलावा नेटेंडो 64 के गेम भी इसके अंदर मिल जाएंगे। 8-bit के जो यहाँ पे रेट्रो गेम है ना भाई, वो भी इसके अंदर प्री इंस्टॉल है। उसके साथ PlayStation की लाइब्रेरी है, सुपर नेटेंडो की लाइब्रेरी इसके अंदर मिल जाएगी। तो लाइब्रेरी के इसके अंदर कमी नहीं है भाई, बहुत सारे गेम के इसके अंदर अलग अलग अपने को लाइब्रेरी से मिल जाएगी, और सारी वो डिफरेंट है, मतलब कोई भी इसके अंदर कॉपी नहीं हो रही है। और जितनी भी पॉपुलर लाइब्रेरी हमेशा से यहाँ पे रही है ना, PlayStation की, नेटेंडो की, 8-bit गेम की, वो सारे गेम्स इसके अंदर अवेलेबल है, और सारे गेम अच्छे तरीके से चलते भी है। इनफैक्ट इसकी ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी है यार,
कि ये गेम को काफ़ी स्मूथली प्ले कर देता है और सारे गेम इसके अंदर प्लेबल है, कोई लैग इशू अपने को नहीं मिलेगा। और भाई इस बॉक्स की स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी तगड़ी है, इसके अंदर अपने को 2GB की रैम मिलती है। मेरे हिसाब से ना इसके अंदर विजुअल रैम भी इंक्लूड है यार, क्योंकि 2GB की रैम में अपन इतनी स्मूथली गेम नहीं खेल सकते, इसके अंदर ना विजुअल रैम कहीं ना कहीं इंक्लूड है। इसके अंदर 64GB का यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, उसके अलावा 12GB इसके अंदर इंटरनल मेमोरी है। लेकिन इसका जो इंटरनल मेमोरी है ना भाई, उसके अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और वो क्या है वो मैं आपको ऑब्वियसली आगे बताऊंगा वीडियो में एक्सप्लेन करके। इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज हुआ है वो बहुत ही पावरफुल और इफिशियंट प्रोसेसर है। इस गेम बॉक्स के अंदर अपने को एमलॉजिक X905 मिलता है, जो कि अपना कॉर्टेक्स A53 का प्रोसेसर है। लेकिन जो दूसरा कॉर्टेक्स A53 आते हैं ना, उससे ये ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है एक तो वो 64 बिट का है, साथ में 216 MHz क्लॉक स्पीड पे ये सेट है, तभी तो अपना गेम इतना स्मूथली इसके अंदर प्ले होता है यार। तो परफॉर्मेंस वाइज तो यार ये काफी तगड़ा है। और इस बॉक्स के अंदर ना कुछ अपने को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहली बात कि इसको आप एज एक स्ट्रीमिंग डिवाइस जैसे यूज कर सकते हो, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिस्नी प्लस, हॉटस्टार, जियो टीवी, लाइव चैनल को देखना हो फ्री में, तो इस टाइप की जितनी भी एप्लीकेशन होती है ना स्ट्रीमिंग से रिलेटेड, वो सारी इसके अंदर यूज हो जाती है। आप इसको एज ए मल्टीमीडिया जैसे भी यूज कर सकते हो, मूवी शो का अगर आप देखते हो मेमोरी कार्ड के थ्रू या पेन ड्राइव के थ्रू, तो वो भी ऑब्वियसली इसके अंदर चल जाएगा, क्योंकि ये 4K रेजोल्यूशन को अप टू यहाँ पे सपोर्ट करता है। और इसके प्ले स्टोर से आप यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो, ऑलमोस्ट सारी एप्लीकेशन इसके अंदर सपोर्ट हो जाती है, ब्राउजिंग हो गया, और ये एंड्रॉइड 9.1 के साथ आता है, तो ऑलमोस्ट सारी एप्लीकेशन तो इसके अंदर सपोर्ट करी जाएगी यार। अब इस गेम बॉक्स के अंदर अपन PSP की लाइब्रेरी देखेंगे ना, तो PSP के अंदर जितने भी पॉपुलर टाइटल्स है ना, जैसे कि बेंटन हो गया अपना, अशासिन क्रेट हो गया, MotoGP हो गया, GTA Vice City स्टोरी मोड हो गया, उसके अलावा भी यहाँ पे काफी सारे गेम है, टेकन का वर्जन हो गया, ड्रैगन बॉल्स एवोल्यूशन हो गया, तो ये जितने भी पॉपुलर अपने को यहाँ पे टाइटल्स मिलते थे ना PSP में, वो सारे टाइटल्स के अंदर अपने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर अपन Nintendo वाले लाइब्रेरी में जाते हैं, तो Nintendo के जितने भी पॉपुलर गेम रहे हैं ना हमेशा से, वो सारे इसके अंदर मिल जाते हैं, और ये बेसिकली 3D गेम है, तो सारे पॉपुलर गेम के टाइटल्स इसके अंदर प्री इंस्टॉल है यार, और वो भी काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं। PlayStation जो हमेशा से पॉपुलर रहा है, उसके भी सारे टाइटल्स इसके अंदर अपने को प्री इंस्टॉल मिल जाएंगे। Nintendo की गेम भी है, गेम्स कलर्स के सीरीज भी है, सेगा के गेम गेयर्स भी है, लेकिन जो मेन है ना भाई, वही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो गेम है ना वो 8-bit सपोर्ट वाले है, जो अपन 90s के टाइम पर खेलते थे। अब मैं चुप हो जाता हूं और थोड़े पॉपुलर टाइटल्स इसके अंदर प्ले करके आपको बता देता हूं, तो आपको परफॉर्मेंस का अंदाजा लग जाएगा कि इस गेम बॉक्स में अपन किस टाइप की गेमिंग कर पाएंगे। Off on the second. They're leading 11-1. Shoot!
Assume level 1 defense formation. Hold speed button down to lock on. इसके अंदर जितने भी गेम है ना वो काफी अच्छी रेजुलेशन को यहाँ पे अपस्केल कर लेते हैं, तो रेजुलेशन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके अंदर गेम्स जब अपन खेलते हैं ना तो गेम्स पिक्सेलेटेड नहीं होते, तो ग्राफिकल वाइज जो परफॉर्मेंस है ना वो सुपर स्मूथ है इसकी। इसका जो हार्डवेयर है वो बहुत ही ज्यादा कैपेबल है सारे गेम को प्ले करने के लिए, तो आप किसी भी टाइप का गेम इसके अंदर खेल सकते हो यार। और ऑब्वियसली सारे गेम इसके अंदर प्लेबल है। और भाई सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि इसके अंदर जो गेम है ना उसको अपन सेव भी कर सकते हैं, तो एक स्टेज पे जाके अगर आप गेम को बंद करना चाहते हो ना तो सेव करके बंद कर सकते हो। पर अगर किसी भी गेम को बंद करना है ना तो स्टार्ट और सेलेक्ट बटन को साथ में दबा के रखना, यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन आ जाएगा और ए बटन को दबा देना तो गेम से अपन एग्जिट हो जाएंगे। अगर बाय कर रहे हो ना भाई तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यूजर मैनुअल में मुझे ये बात पता ही नहीं चली, मैंने कंपनी वालों को फोन लगाया था जब जाके बात पता चली मुझे। लेकिन ना मुझे एक बात यहाँ पे खराब लगी है, कुछ ऐसे गेम है जिनके फोटो साइड में शो नहीं होते, तो भाई गेमिंग एक्सपीरियंस तो इसके अंदर टू गुड है यार, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो गेमिंग बॉक्स के लिए। और ऑब्वियसली ये अपना एक एंड्रॉइड बॉक्स भी है, तो इसके थ्रू आप अपनी एक नॉर्मल एलईडी या टीवी को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो एज ए एंड्रॉइड टीवी जैसी। अब ये जो अपना बॉक्स है ना ये एंड्रॉइड बॉक्स में कन्वर्ट हो गया है, तो इसका जो यूजर इंटरफेस है ना भाई वो ओल्ड जनरेशन जैसा है, ज्यादा ऐसा ऑप्टिमाइज नहीं मिलेगा अपने को। डेडिकेटेड इसके अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम अपने को मिलता है, ऑब्वियसली प्ले स्टोर का सपोर्ट है जो अच्छी बात है। देखो यार यूआई तो इसका ओल्ड जनरेशन का है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इसका स्मूथ है यार, इसके अंदर परफॉर्मेंस अपने को एक अच्छी लेवल की मिलेगी। हाँ ऑब्वियसली अगर हेवी लेवल के मल्टीटास्किंग करोगे तो ये यहाँ पे लेक हो सकता है। अब भाई मेरे को ना स्टोरेज में एक कंफ्यूजिंग आ गया यार, हर जगह अलग अलग स्टोरेज इसके अंदर दिख रही है। देखो बॉक्स के ऊपर और यूजर मैनुअल में तो स्टोरेज मेंशन है नहीं कि कितनी इसके अंदर स्टोरेज अपने को मिल रही है। अब देखो भाई मैं स्टोरेज के अंदर हूँ, यहाँ पे ये बताया कि 4.14 GB यहाँ पे टोटल स्पेस यूज हुई है 16 GB में से, उसके नीचे ये बता रहा है कि 12 GB यूज हुई है 16 GB में से, तो 4 GB अलग बता रहा है 12 GB अलग बता रहा है। तो यार ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि दोनों जगह ये अलग अलग डेटा क्यों शो कर रहा है, तो मैं तो कंफ्यूज हूँ भाई किसके अंदर 4 GB की इंटरनल मेमोरी है, 16 GB की है, 12 GB की है या 64 GB की है। और इसके अंदर ना 2-3 GB की स्टोरेज तो अलग से ये बता रहा है अपने को शो कर रहा है, तो इस बारे में तो मैं कंफ्यूज हूँ। अगर आपको पता हो आप यूज़ कर रहे हो ना इस एंड्रॉइड बॉक्स को तो कमेंट करके मुझे बता देना, ताकि मुझे भी पता चल सके और दूसरे जिस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी पता चल जाए। और इस एंड्रॉइड बॉक्स में ना अपने को कुछ अलग से फीचर भी मिल रहे हैं, जैसे कि इसके अंदर मीरा कास्ट अवेलेबल है, तो आप मोबाइल की स्क्रीन को डायरेक्टली एलईडी टीवी में देख सकते हो। दूसरी बात इसके अंदर अपने को HDMI CEC का फीचर मिलता है। अभी ये पर्टिकुलर फीचर क्या होता है ये मैंने अपनी फायर टीवी वाली वीडियो में बता रखा है, तो उस वीडियो को एक बार जाके देख लेना। ये बहुत काम का फीचर है जो इस एंड्रॉइड बॉक्स में अपने को मिल रहा है। और ये एंड्रॉइड बॉक्स अपना वॉइस असिस्टेंट को भी सपोर्ट करता है। अब देखो भाई ये जो एंड्रॉइड बॉक्स प्लस गेम बॉक्स है ना इसको मैंने अमेजोन से 6,000 रुपए में खरीदा है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ जाएगा, एक बार चेक कर लेना भाई। तो देखो वैल्यू फॉर मनी तो ये ऑब्वियसली है नहीं यार, क्योंकि 6,000 रुपए में अपने को कोई इतना बेटर डिवाइस नहीं मिल रहा है। और ऑब्वियसली यार एंड्रॉइड बॉक्स की प्लास्टिक क्वालिटी तो बहुत एवरेज सी है, और इनकी क्वालिटी भी एवरेज ही मिलेगी अपने को, कोई ऐसी प्रीमियम क्वालिटी के ये बॉक्स और कंट्रोलर नहीं है यार। बस यहाँ पे जो अपन पैसे दे रहे हैं ना वो मेमोरी कार्ड के गेम्स के, मतलब इसके अंदर जो मेमोरी कार्ड है ना उसके अंदर जो गेम्स के लाइब्रेरी और लिस्ट मिल रही है ना सिर्फ उसी के यहाँ पे पैसे दे रहे हैं अपन, ये आप समझ लेना। तो मेरे हिसाब से तो ये रिकमेंडेड नहीं है यार, अगर आपको गेमिंग ही करनी है ना तो आप यहाँ पे खरीद लो, लेकिन अगर आपको एज अ एंड्रॉइड डिवाइस जैसे इसको यूज करना है ना एलईडी टीवी में, तो इससे बेस्ट ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। तो ऑब्वियसली यार ये हर किसी के लिए तो बना हुआ नहीं है, बस जो गेम को यहाँ पे एंजॉय करना चाहते हैं ना रेट्रोस गेम को या PSP के या PlayStation के गेम को, तो ऑब्वियसली आप इसको बाय कर सकते हो, बट एंड्रॉइड डिवाइस के हिसाब से बाय मत करना। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, कोई डाउट होना तो भी कमेंट कर देना क्योंकि रिप्लाई मैं करता हूँ भाई। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।